के साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 37वां दिन और 37वें दिन से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर एक बड़ा आरोप लगाया। जो बाइडेन का आरोप है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपने सलाहकारों को बंधक बना लिया, कई सलाहकारों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पुतिन पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं, जो बाइडेन का यह कहना है। और इससे पहले भी अमेरिका ने पुतिन के सलाहकारों पर हमला बोलते हुए कहा था कि पुतिन के सलाहकार उनसे डरते हैं, खौफ खाते हैं और युद्ध की जो सही खबर है, जानकारी है, वो पुतिन को नहीं दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका जिसकी नजर लगातार इस पूरे युद्ध पर बनी हुई है, बाइडेन की तरफ से कहा गया है कि पुतिन ने अपने सलाहकारों को बंधक बना लिया है और कई सलाहकारों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, यानी कि पूरी तरह से नजरबंद यहां पर उन सलाहकारों को कर दिया गया है और पुतिन जो है अलग थलग पड़ गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की यह सबसे बड़ी अहम खबर है, क्योंकि बाइडेन जानते हैं कि इस वक्त रूस किस तरह से बेहद तेजी के साथ यूक्रेन पर हमले कर रहा है। कई प्रतिबंधों के बावजूद, कई कड़े प्रतिबंधों के बावजूद भी रूस रुकने को तैयार नहीं है, बल्कि उसके हमलों में कई गुना तेजी यहां पर आ चुकी है। व्लादिमीर पुतिन अलग थलग पड़ सकते हैं, यह यहां पर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर वैश्विक स्तर पर जहां सभी देशों की नजरें बनी हुई हैं, तो अमेरिका अपनी तरफ से वक्त वक्त पर दावे और बयान भी जारी करता रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने पहुंचा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं रूसी विदेश मंत्री। भारत के दौरे पर रूसी विदेश मंत्री हैं और मुलाकात जो है यहां पर इस वक्त होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी विदेश मंत्री के साथ, खासतौर से ऐसे वक्त में जब यूक्रेन और रूस के बीच ये महायुद्ध जारी है और रूस को कई तरह के प्रतिबंधों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। उस बीच भारत के साथ रूस के जो संबंध है उसके तौर पर भी एक बड़ा मोड़ आता हुआ दिखाई देता है। रूस के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचे हुए हैं। विदेश दौरा यहां पर रूसी विदेश मंत्री का नजर आ रहा है, जिसकी बाबत यहां पर पहुंचे हुए हैं रूसी विदेश मंत्री। हालांकि पूरी तरफ से अगर देखें तो भारत का रवैया दोनों ही देशों के लिए कुछ इस तरह का रहा है कि दोनों ही देशों ने भारत के सकारात्मक रूप की यहां पर तारीफ की है। और व्हाइट हाउस ने दावा क्या कुछ किया, ये आपको बता रही है कि यूक्रेन पर हमले को लेकर व्लादिमीर पुतिन को उनके ही सलाहकारों ने बहका दिया, उनको गलत जानकारी यहां पर दी। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, उनको ये तक खबर नहीं दी कि यूक्रेन में रूस की सेना बहुत बुरी तरह हार रही है। पुतिन पर बाइडेन का सनसनीखेज आरोप।